वेलकम टू आई टी आई स्टडी पॉइंट। मैं हूं विशोक सिंह, एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट थ्योरी फर्स्ट ईयर में कितने चैप्टर रहते हैं, तो आज की वीडियो में NSQ लेवल 5 इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड थ्योरी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सर्वप्रथम प्रथम वर्ष विषय सूची यानी कि क्या सब्जेक्ट के अंतर्गत पूछा जाता है, यानी क्या क्या आपके सब्जेक्ट रहते हैं, क्या क्या विषय सूची में आपको कितने चैप्टर रखे गए हैं, और उन चैप्टरों के अंदर क्या आपको पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेट थ्योरी के अंदर, तो वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है विषय सूची यानी प्रथम वर्ष की जो विषय सूची है, इसमें सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है आपका ट्रेड परिचय एवं व्यावसायिक सुरक्षा। तो सबसे पहला जो विषय है वो ट्रेड परिचय एवं व्यावसायिक सुरक्षा। इसके अंतर्गत भी बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको हमें समझना होता है। तो सबसे पहला आता है आपका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का परिचय, यानी हम ITI कर रहे हैं तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत हमें संस्थान में क्या क्या परिचय कराया जाएगा। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड व इसकी महत्वता, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जो ट्रेड है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्वता है। देन इसके बाद आपका आता है दुर्घटना, यानी अगर एक्सीडेंट हो जाता है हम किसी भी ट्रेनिंग कार्य के दौरान या हम कार्य कर रहे हैं तो एक्सीडेंट पर हमें कैसे बचाव होती है, वो क्या चीज़ें होती हैं, एक्सीडेंट क्यों होते हैं, रीजन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा है सुरक्षा की महत्वता, यानी कि हम किस तरीके से सुरक्षित रहेंगे। दूसरा विद्युत सुरक्षा, यानी दूसरा है आपका विद्युत सुरक्षा, कहने का मतलब हम बिजली से किस तरीके की सुरक्षा हम करेंगे, यानी जो बिजली के द्वारा कोई भी दुर्घटना होती है तो उसके लिए हमें किस तरीके से सुरक्षित रहना है। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत रक्षक उपकरण, यानी व्यक्तिगत रक्षक उपकरण है। नेक्स्ट है आपका प्राथमिक उपचार। अब हम किसी भी काम को करते हैं तो वहाँ दुर्घटना भी हो जाती है, तो अब हम दुर्घटना के कारण हम सबसे पहले हमें क्या प्राथमिक उपचार अपनाने चाहिए, तो वहाँ पर प्राथमिक उपचार के बारे में आपको जानना होगा। कृत्रिम श्वास क्रिया, यानी कृत्रिम श्वास क्रिया ये भी आपका ट्रेड परिचय सुरक्षा सावधानी के अंतर्गत ही आती है। यदि कोई व्यक्ति घायल हो जाता है और वो उसको सांस लेने में दिक्कत आती है तो आर्टिफिशियल श्वास जो विधि होती है यानी कृत्रिम श्वास क्रिया कैसे दी जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका आग, यानी फायर, फायर के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की आग होती है, किन किन माध्यमों से आग को बुझाया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर यानी आग को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अग्निशामक यंत्र, एक अग्निशामक यंत्र होता है। हाउस कीपिंग एंड अच्छी सॉफ्ट फ्लोर प्रक्रिया की महत्व क्या है, आपातकालीन प्रतिक्रियाएं क्या है, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। अगला पॉइंट है कार्यशाला में कर्मचारियों को दिए जाने वाले स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पर्यावरण संबंधित दिशा निर्देश। अगला पॉइंट है कार्यशाला में लागू निधन एवं अधिनियम। नेक्स्ट अगला चैप्टर आ जाता है आपका 2। तो चैप्टर 2 में बताया जाता है आपको हैंड यानी ट्रेड हस्त औजार, यानी हैंड टूल यानी ट्रेड हस्त औजार, यानी इसके अंदर आप ट्रेड थ्योरी में जो आप पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हमें क्या क्या हैंड टूल्स की आवश्यकता होती है, तो वो क्या क्या हैंड टूल्स रहेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाती हैं चैप्टर नंबर 2 में। तो सबसे पहला चैप्टर नंबर 2 में पॉइंट जो आपका आता है प्रमुख ट्रेड हस्त औजारों की विशिष्टियाँ, यानी इनकी क्या विशेषताएँ विशिष्टियाँ। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक की रिबिटिंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम किस तरीके की रिबिटिंग यानी किसी भी धातु को जोड़ने के लिए हम किस प्रकार की रिबिटिंग का कार्य करते हैं। धात्विक चादरों को काटना व मोड़ना, किस तरीके से हम धातु जो चादर होती है उसको किस तरीके से मोड़ते हैं काटते हैं। अगला पॉइंट है चेसिस। नेक्स्ट है कैबिनेट, टूल किट, हस्त औजारों का सामान्य अनुकरण। अगला अध्याय आता है आपका 3, जिसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा के मूल आधार एवं फेज प्रणाली, अध्याय 3। तो इसमें आपको दिया जाता है विद्युत धारा पहला, दूसरा है आपका AC संबंधी पथ, तीसरा है फेज प्रणाली यानी फेज सिस्टम क्या होता है। अगला चौथा चैप्टर आता है अध्याय 4, जिसके अंदर वैद्युतिक पदार्थ एवं केबल्स, यानी जो वैद्युतिक पदार्थ होते हैं, वैद्युतिक मटेरियल होता है और केबल होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या केबल्स होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, तो वो सारी चीज़ों में हम 4 अध्याय में पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपको वैद्युतिक पदार्थ के प्रकार, वैद्युतिक तार और केबल इत्यादि के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट अध्याय आपका आता है चैप्टर 5, जिसके अंदर मापक यंत्रों की मूल अवधारणा, यानी मापक यंत्र क्या क्या होते हैं, उनकी क्या क्या मूल अवधारणाएं होती हैं, जिसमें आप इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स मापक यंत्र। अगला है मापक यंत्रों का वर्गीकरण। अगला पॉइंट है साधारण मीटर तथा सिद्धांत, इनका सिद्धांत। तो ये था आपका 5वां चैप्टर। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 में हम अगर देखेंगे तो इसमें आपको बताया जाता है सेल एवं बैटरी। चैप्टर नंबर
छः में आपको सेल एवं बैटरी के बारे में बताया जाता है, जो आप बेसिकली बैटरी जो सेल्स होते हैं उनके बारे में हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के अंदर 6 चैप्टर में आप पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले आपका आएगा सेल, नंबर 2 आएगा प्राथमिक सेल और नंबर 3 आएगा द्वितीयक सेल। अब इसके बाद द्वितीयक सेल पढ़ेंगे, प्राथमिक और द्वितीयक सेल पढ़ने के बाद आप बैटरी बैटरी को पढ़ेंगे, बैटरी सेल बैटरी की चार्जिंग विधियाँ क्या क्या होती हैं उसके बारे में जानेंगे, चार्ज सेल बैटरी की पहचान क्या है उसको हम समझेंगे पढ़ेंगे। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 6, जिसके अंदर सेल एवं बैटरी हमने पढ़ी। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है 7, वैद्युतिक मापक यंत्र। अब वैद्युतिक मापक यंत्र के अंतर्गत क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे एक आता है वैद्युतिक मापक यंत्रों का वर्गीकरण क्या है उसके बारे में, इंडिकोटिंग यंत्रों में अपेक्षित आवश्यक बल अगला पॉइंट है, स्थायी चुंबक मूविंग कॉयल यंत्र, और इसके बाद हम पढ़ेंगे मूविंग आयरन यंत्र, इसके बाद पढ़ेंगे एमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, मल्टीमीटर, ऑस्कोलोस्कोप, फंक्शन जनित्र, डिजिटल एलसीआर मीटर, मापक यंत्रों के अभिलक्षण। अगला पॉइंट है मापक यंत्रों का असंकन, मापन में त्रुटि एवं सुधार, हम किस तरीके से मापन में त्रुटि एवं सुधार करते हैं, मापन यंत्रों में असंकन की आवश्यकता, मापन यंत्रों का रखरखाव एवं अनुरक्षण। तो ये था चैप्टर नंबर 7, जिसमें वैद्युतिक मापक यंत्र, जिसके अंदर इतने सारे मीटर और इतनी सारी चीज़ों को आप हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, जिसमें आप पढ़ेंगे सोल्डरिंग स्विच, सोल्डरिंग एवं स्विच। तो सोल्डरिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, और इसके अंदर हम विभिन्न प्रकार की सोल्डरिंग, यानी किस प्रकार से हम सोल्डरिंग करते हैं, जोड़ जो हम किस तरीके से जोड़ते हैं, छोटे 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 से इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्ट्स होते हैं उनको हम किस तरीके से एक दूसरे को कंपोनेंट्स को हम आपस में जोड़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है सोल्डर, सोल्डरिंग, सोल्डरिंग फ्लक्स, सोल्डरिंग गन, सोल्डरिंग टिप, सोल्डरिंग एवं सोल्डरिंग स्टेशन एंड स्विच। तो ये था चैप्टर नंबर 8। अब हम चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं, अध्याय 9, जिसमें निष्क्रिय अवयव, निष्क्रिय अवयव क्या होते हैं, चलिए निष्क्रिय अवयव में प्रतिरोध हो गया, किरचॉफ के नियम, प्रेरक, संधारिता, एसी परिपथ, रेंजोनेंस, एसी परिपथ के लिए समय नियतांक। तो ये था आपका अध्याय 9। अब हम बात करते हैं अध्याय 10 की, जिसके अंदर आप मैग्नेट यानी चुंबकत्व के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अध्याय 10 में हम मैग्नेट के बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या क्या आप पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे चुंबक एवं उसके गुणधर्म, चुंबक का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, और मैग्नेट, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण यानी चुंबकीय पदार्थों का हम वर्गीकरण पढ़ेंगे अध्याय 10 में, चुंबक निर्माण विधियाँ, चुंबक किस तरीके से इसको बनाया जाता है, किस तरीके से आर्टिफिशियल, और दो तरीके की जो चुंबक होती है, आर्टिफिशियल और एक प्राकृतिक, तो किस तरीके से इसको बनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व से संबंधित शब्दावली, चुंबकीय कोर, विद्युत चुंबकीय रिले। तो ये था चैप्टर नंबर आपका 10, जिसके अंदर हम चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद आता है आपका 11 चैप्टर यानी 11 नंबर चैप्टर, जिसमें अर्धचालक, डायोड एवं रेक्टिफायर के बारे में जानेंगे। क्या अर्धचालक, डायोड एवं रेक्टिफायर, अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, अर्धचालक हो गया, पीएनजी जंक्शन हो गया, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन डायोड, कुछ विशिष्ट प्रकार के डायोड्स, हीट सिंक, रेक्टिफायर, फिल्टर इत्यादि। अध्याय 11 में हम पढ़ेंगे, जो कि ये आपका अर्धचालक, डायोड एवं रेक्टिफायर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अध्याय नंबर 12, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर एवं त्रिकलीय प्रणाली, यानी ट्रांसफार्मर की त्रिकलीय प्रणाली क्या होती है और इसके अंदर कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, किन किन सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले देखते हैं ट्रांसफार्मर का सिद्धांत कार्य, ट्रांसफार्मर की संरचना यानी ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या है, उसके बाद हम उसकी संरचना देखेंगे, ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली को देखेंगे, ट्रांसफार्मर कार्य प्रणाली, इसके बाद
ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल, यानी ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल होता है वो किस प्रकार का होता है, क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, क्यों उसको डाला जाता है। नेक्स्ट हम बात करें ट्रांसफार्मर की क्षतियाँ, यानी उसके अंदर क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं, क्या क्या क्षति हो सकती है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण क्या होता है, ट्रांसफार्मर से संबंधित पद क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर के लाभ क्या होते हैं। अगला पॉइंट आएगा ट्रांसफार्मर का आवधिक परीक्षण एवं अनुरक्षण, और इसके बाद त्रियकाली प्रणाली। तो ये था आपका ट्रांसफार्मर, जिसके अंदर हम इतनी सारी चीज़ों को पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के अंदर। तो बहुत ही अच्छी ट्रेड है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, जिसके अंदर सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स एक इतनी बढ़िया ट्रेड है, जो कि आईटीआई के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड जो है वो बहुत ही अच्छी ट्रेड है। थोड़ा सा इसमें पढ़ने की ज़रूरत है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती हैं जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड लेने से कतराते हैं। तो इसके बाद आपका 13वां चैप्टर है, जिसके अंदर कंप्यूटर का मूल आधार, यानी कंप्यूटर क्या होता है, इसके बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताया जाए, बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो कंप्यूटर के मूल आधार के अंतर्गत क्या क्या बताया जाएगा आपको, कंप्यूटर का ब्लॉक आरेख, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, इनपुट इकाई, आउटपुट इकाई यानी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इसके बाद आपको स्टोरेज इकाई के बारे में बताया जाएगा, अन्य कंप्यूटर सहायक सामग्री, कंप्यूटर के विभिन्न पोर्ट्स। तो ये सारी चीज़ें आप कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, जो कि अध्याय 13 में आपको पढ़ाई जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद अध्याय 14, जिसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपका आएगा कंप्यूटर से ही संबंधित है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम एवं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि आपको इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एप ऑफिस के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो XP, वर्ड प्रोसेसिंग की अवधारणा, नेक्स्ट आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बेसिक वर्कशीट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और सूचना प्रौद्योगिकी। तो इतनी सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर की विशेष जो बेसिक नॉलेज होती है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के अंतर्गत आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 15, जिसमें आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग एवं इंटरनेट, तो इसके अंदर कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, कंप्यूटर नेटवर्किंग। इसके बाद नेटवर्क टेपोलॉजी, नेटवर्क टेपोलॉजी कितने प्रकार की होती है, टेपोलॉजी के अंदर क्या क्या आती हैं, स्टार टेपोलॉजी, बस टेपोलॉजी, ट्री टेपोलॉजी और दुनिया भर की टेपोलॉजी जो भी आती हैं वो आपको इसके अंतर्गत पढ़ाई जाएंगी। नेक्स्ट इसमें आता है नेटवर्क वर्क प्रोटोकॉल, इसके बाद आता है नेटवर्किंग माध्यम, OSI मॉडल, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रचलित नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट इत्यादि, जो कि आपको इस ट्रेड के अंतर्गत सारे ये बेसिक कंप्यूटर आपको पढ़ाया जाता है। और इससे बढ़िया ट्रेड मेरे हिसाब से आईटीआई के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं हो सकती है। इसमें आपका इलेक्ट्रीशियन तथा इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारी चीज़ों का मिक्सर करके ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 16, जिसके अंदर आपको आईसी रेगुलेटर में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन, 3 टर्मिनल आईसी रेगुलेटर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर वोल्टेज रेगुलेटर, आईसी 723 वोल्टेज रेगुलेटर, ट्रांजिस्टर युक्त वोल्टेज रेगुलेटर, फीडबैक एवं एरर एम्पलीफायर रेगुलेटर इत्यादि आपको आईसी रेगुलेटर के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 17 की, जिसके अंदर आपको ट्रांजिस्टर पढ़ाया जाएगा, और ट्रांजिस्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी चलिए उनको भी हम देखते हैं। तो ट्रांजिस्टर के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा ट्रांजिस्टर का वर्गीकरण, ट्रांजिस्टर टर्मिनल, ट्रांजिस्टर की संरचना क्या है, ट्रांजिस्टर की कार्यप्रणाली क्या है, ट्रांजिस्टर के प्रचालन मोड्स क्या है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर से संबंधित प्रमुख पद क्या क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर वायरिंग क्या है, वायसिंग स्थायीकरण तकनीकी क्या है, ट्रांजिस्टर के अनुप्रयोग क्या है, ट्रांजिस्टर रेटिंग क्या है, ट्रांजिस्टर पैकेजिंग क्या है, और ऊष्मा शोषक क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रांजिस्टर के बारे में, यानी ट्रांजिस्टर अध्याय के अंदर आपको अध्याय नंबर 17 में बताई जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अध्याय नंबर 18, जिसके अंतर्गत आपको एम्पलीफायर के बारे में बताया जाएगा, और एम्पलीफायर क्या क्या होता है,
एम्पलीफायर के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें बताई जाएंगी, तो एम्पलीफायर, एम्पलीफायरों का वर्गीकरण क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे, ट्रांजिस्टर विन्यास के आधार पर एम्पलीफायर कितने प्रकार के होते हैं, आवृत्ति आधारित एम्पलीफायर क्या होता है, प्रचालन मोड पर आधारित एम्पलीफायर क्या है, आउटपुट आधारित एम्पलीफायर क्या है, कपलिंग आधारित एम्पलीफायर क्या है, क्लासी ट्यून्ड एम्पलीफायर और एमीटर फॉलोअर परिपथ एम्पलीफायर में प्रयोग होने वाले फीडबैक, फीडबैक के परिपथ के प्रकार, तो ये सारी चीज़ें आप एम्पलीफायर में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अध्याय नंबर 19 की, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे दोलित्र। दोलित्र में आप पढ़ेंगे फीडबैक, दोलित्र के मौलिक भाग, दोलित्र का मुख्य कार्य और वर्क, हैसिनेस मापदंड, दोलित्र का वर्गीकरण, ज्वाक्रिय दोलित्र, दोलित्र और अयज्ञवक्रिय दोलित्र, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोलित्र के अंदर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेब शेपिंग परिपथ, बेब शेपिंग परिपथ जिसके अंतर हम पढ़ेंगे रेखीय बेब शेपिंग परिपथ, आरेखीय बेब शेपिंग परिपथ और स्मट ट्रिगर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये थी आपकी बेबिंग बेब शेपिंग परिपथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं अध्याय नंबर 21 की, जिसमें आप पढ़ेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ क्या क्या होती हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे फीड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड और सेकेंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पावर MOSFET। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंसुलेटेड गेट, बाईपोलर ट्रांजिस्टर, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायक, ट्राइक और गेट टर्न ऑफ स्विच, हीट सिंकिंग। तो ये पढ़ेंगे हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के अंतर, जिसमें हम चैप्टर नंबर 21 में पढ़ेंगे। तो टोटल जो चैप्टर हैं फर्स्ट ईयर के अंतर्गत 26 चैप्टर रखे जाते हैं, 26 अध्याय हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत, 26 चैप्टर हैं टोटल। तो अभी तक हमने जो है 21 चैप्टर को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला चैप्टर आता है 22, जिसको ऑप्टी इलेक्ट्रॉनिक्स अवयव, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स अवयव यानी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स अवयव के बारे में। इसमें क्या होता है, ऑप्टिकल सेंसर, प्रकाश उत्सर्जन डायोड, उत्सर्जक डायोड। नेक्स्ट आपका आ जाता है इंफ्रारेड, फोटो डायोड, फोटो ट्रांजिस्टर, ऑप्टो कपलर, लेजर डायोड। तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स अवयव के अंतर्गत हम इतनी चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 23 नंबर में, अध्याय चैप्टर नंबर 23 के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के मूल आधार क्या क्या हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, जिसमें एनालॉग व डिजिटल प्रणाली, संख्या प्रणाली, संख्या प्रणालियों का रूपांतरण, डिजिटल कोड्स, बाइनरी गणित, लॉजिक गेट, लॉजिक परिवार, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 23 के अंदर पढ़ेंगे। और अब हमारे 3 चैप्टर और बचे हुए, तो जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे 24 नंबर चैप्टर में डिजिटल लॉजिक परिपथ। तो डिजिटल लॉजिक परिपथ में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम कॉम्बिनेशनल लॉजिक परिपथ पढ़ेंगे, इसके बाद सीक्वेंशियल लॉजिक परिपथ पढ़ेंगे। तो दो चीज़ें आप 24 नंबर चैप्टर यानी लॉजिकल परिपथ, डिजिटल लॉजिकल परिपथ के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 25, जिसमें हम पढ़ेंगे रजिस्टर्स, काउंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट सिमुलेटर। तो इसमें हम पढ़ेंगे रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर, काउंटर और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी में 7 सेगमेंट डिस्प्ले और इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ अनुकृति सॉफ्टवेयर। इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 26, जो कि आपका ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का ये लास्ट चैप्टर रहेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर एवं टाइमर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एवं टाइमर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर IC 741। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर OP एम्पलीफायर का लूप प्रचालन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे
ऑपरेशनल एम्पलीफायर संबंधी पैरा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अनुप्रयोग, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अन्य प्रकार, प्रमुख प्रकार, नेक्स्ट बात करेंगे हम टाइमर की, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे IC555 टाइमर के प्रचालन, और इसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे बोल्टता नियंत्रण दोलित्र। तो ये सारे आपके 26 चैप्टर थे जो कि ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आपको पढ़ाए जाएंगे। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो बने रहिए हमारे साथ, लास्ट तक वीडियो को देखें और ये सारी चीज़ें हमारे साथ पढ़ते रहें। तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं तब तक के लिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।